तो भाई आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था एंड आज हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर। और गाइस ये जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का शो था ये ऑलरेडी टेप कर चुकी थी WWE लास्ट वीक और मैंने आपको बताया भी था, लेकिन मैंने आपको इस शो का रिव्यू नहीं दिया था क्योंकि मैं आपका ये मज़ा खराब नहीं करना चाहता था। तो बहुत होगी बकवास, चलते हैं अब सीधा वीडियो के ऊपर। तो जो भी नए बंदे आए हैं चैनल पर फटाफट से चैनल लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। अबे साले, आई मीन वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरी जान। तो सबसे पहले आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की शुरुआत करते हैं द मेगा स्टार LA नाइट। LA नाइट यहाँ पर आकर सबसे पहले तो अपनी जो बच्चों की तरह बातें हैं वो करनी शुरू कर देते हैं कि भाई मैं रोमन रेंस को हराने वाला हूँ, रोमन रेंस का टाइटल रेन कल एंड हो जाएगा क्राउन ज्वेल के अंदर। और LA नाइट ने ये भी बोला कि मैं नया ट्राइबल चीफ बनूंगा कल क्राउन ज्वेल में। और इसके बाद फिर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है एंड रोमन रेंस रिंग के अंदर आते हैं। उसके बाद भाई रोमन रेंस ने आकर छिलनी शुरू कर दी थी यहाँ पर LA नाइट की। और रोमन रेंस ने आकर LA नाइट को ये बोला कि तुम उन बंदों की लिस्ट में जाने वाले हो जिनको कि मैंने ऑलरेडी हराया है अपने से टाइटल रेन के अंदर एंड मैं तुम्हें बहुत बुरे तरीके से मारने वाला हूँ क्राउन ज्वेल के अंदर। तो इस तरह से इन दोनों के बीच बहुत तकड़ी वाली प्रोमो वॉर होती है। लेकिन भाई मुझे यहाँ पर डिसअपॉइंटिंग बात ये लगी कि यहाँ पर WWE ने कोई भी इनका ब्रॉल नहीं डाला था, जो कि मेरे ख्याल से डालना चाहिए था इस मैच को और भी ज्यादा हाइप देने के लिए। तो इसके बाद जो मैच आता है वो आता है ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस केविन ओवेंस के बीच, क्योंकि आपको पता ही होगा इन दोनों के बीच लास्ट वीक मुक्काबाजी हो गई थी। इस मैच की एंडिंग कुछ इस तरह से होती है कि केविन ओवेंस सबसे पहले तो अपना पावर बॉम्ब लगाते हैं ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर एंड उसके बाद फिर स्टनर लगाकर इस मैच को विक्ट्री कर लेते हैं। इसके बाद हमें एक बैक स्टेज सेगमेंट दिखाई देता है जहां पर बियांका बेलेयर इंटरव्यू दे रही थी। वहां पर इंटरव्यू देते हुए डैमेज कंट्रोल ने अटैक कर दिया था बियांका बेलेयर के ऊपर, वहां पर निक ऑल्डर्स को आकर दूर करना पड़ा था इनको। फिर इसके बाद भाई सबसे फाड़ू वाला जो सेगमेंट है वो आता है एंड वो था सोलो सिकोवा का प्रोमो वॉर। सबसे पहले सोलो सिकोवा एंड पॉल हेमन रिंग के अंदर आते हैं और भाई आज फर्स्ट टाइम बोले थे माइक पर सोलो सिकोवा, और सोलो सिकोवा ने पता है सीधा क्या कहा। सोलो सिकोवा यहाँ पर कॉल आउट करते हैं जॉन सीना को कि आजा भाई तू मेरे सामने आ जा इस रिंग के अंदर एंड उसके बाद फिर जॉन सीना आ जाते हैं रिंग के अंदर और सोलो सिकोवा वहाँ पर माइक पर बोलते हैं कि मैं तुम्हारी धुलाई आज ही करने वाला था, ट्राइबल चीफ ने मुझे ऑर्डर दिया है कि आज तुम कुछ भी नहीं करोगे जॉन सीना के साथ, तुमने जो करना है वो क्राउन ज्वेल के अंदर करोगे। इसके बाद जॉन सीना आते हैं माइक पर, जॉन सीना बोलते हैं कि भाई तू फर्स्ट टाइम बोला है आज माइक पर, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम बहुत अच्छी बातें करोगे लेकिन भाई तुमने फर्स्ट टाइम ही इतनी बुरी बातें बोली हैं। और जॉन सीना ने यहाँ पर सोलो सिकोवा के बारे में एक बहुत तकड़ी वाली बात बोली है और वो बात थी कि सोलो सिकोवा अपने रोमन रेंस और अपने कजन्स की वजह से ही WWE के अंदर है, वरना अगर वो नहीं होते तो WWE कब का सोलो सिकोवा को बाहर फेंक देती होती अपनी कंपनी से। तो उसके बाद भाई सोलो सिकोवा लिटरली भड़क जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हमें कोई ब्रॉल नहीं देखने को मिलता, जॉन सीना वहाँ पर रिंग के अंदर माइक फेंककर चलते बनते हैं। इसके बाद एक खतरनाक सा मैच आता है जो कि था प्रिटी डडली वर्सेस ब्रॉलिंग ब्रूट्स के बीच, और इस मैच के अंदर बहुत सारी चीजों का यूज किया गया था। इस मैच की एंडिंग कुछ इस तरह से होती है कि प्रिटी डडली टॉप रोप से टेबल पर अपना डबल टीम मूव लगा देते हैं बुच के ऊपर एंड उसके बाद पिन करके ब्रॉलिंग ब्रूट्स को हरा देते हैं, और इस तरह से आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर प्रिटी डडली की जीत हो जाती है। एंड फिर हमें बैक स्टेज से एक और बढ़िया सा सेगमेंट दिखाई देता है जो कि था लोगन पॉल वर्सेस रे मिस्टीरियो का। सबसे पहले तो यहाँ पर इन दोनों का वेट नापा जाता है, जहाँ पर रे मिस्टीरियो का वेट थोड़ा सा कम था एंड लोगन पॉल का वेट थोड़ा सा ज्यादा था। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो, लेफ्ट साइड जो है वो रे मिस्टीरियो का है एंड राइट साइड जो है वो है लोगन पॉल का वेट। तो ये वेट नापने के बाद फेस टू फेस खड़े जाते हैं एक दूसरे के, वहां पर रे मिस्टीरियो लिटरली थप्पड़ मार देते हैं लोगन पॉल को। भाई लोगन पॉल वहां पर फिर चढ़ जाते हैं रे मिस्टीरियो के ऊपर, निक ऑल्डर्स यहां पर रोक देते हैं लोगन पॉल को, और भाई रे मिस्टीरियो जाते जाते यहां पर माइक से अटैक कर जाते हैं लोगन पॉल के ऊपर। तो ये मुझे काफी मस्त सा सेगमेंट लगा था रे मिस्टीरियो एंड लोगन पॉल के बीच। एंड फिर हमें इसके बाद एक और सेगमेंट दिखाई देता है बैक स्टेज से, जहां पर पॉल हेमन एंड निक ऑल्डर्स एक साथ खड़े होते हैं, और भाई पॉल हेमन निक ऑल्डर्स को बोलते हैं कि भाई तुम डॉक्टर्स का अरेंजमेंट कर लो क्योंकि क्राउन ज्वेल के अंदर ट्राइबल चीफ बहुत बुरी तरह से मारने वाला है LA नाइट को, वो चलने के लायक भी नहीं रहेगा क्योंकि रोमन रेंस का जो वर्जन है करंट टाइम में वो काफी ज्यादा खतरनाक वाला वर्जन है। इसके बाद टाइम आता है मेन इवेंट का जो कि था बेली वर्सेस बियांका बेलेयर के बीच, और ये मैच भाई काफी ज्यादा मस्त था, काफी ज्यादा टाइम भी ले आता है इस मैच ने। इस मैच की एंडिंग कुछ इस तरह से होती है कि बियांका बेलेयर ने KOD लगा दी थी बेली के ऊपर एंड पिन कर कर इस मैच को विक्ट्री ले ली थी, लेकिन भाई विक्ट्री लेने के बाद भी बियांका बेलेयर यहाँ पर नहीं रुकती है। बियांका बेलेयर ने अनाउंसर टेबल पर KOD जड़ दी थी यहाँ पर बेली को, मतलब यहाँ पर पूरा तहस नहस कर दिया था बेली को बियांका बेलेयर ने। तो मुझे तो काफी ज्यादा बढ़िया लगा आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन, आपको कैसा लगा आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन बताना जरूर कॉमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, WWE की और अपडेट्स जानने के लिए बिना किसी टेंशन के चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो मेरी जान।